नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। मैं नेहा वर्मा स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स पर। तो आज का दिन नया शुरुआत हुआ है हमारे साथ। तो आज का मतलब ब्लॉग थोड़ा सा खास होने वाला है, क्योंकि जो लोग मतलब खाने का शौकीन है तो मेरे मतलब ब्लॉग को बहुत बढ़िया से लास्ट तक देखिएगा, उन लोग को पसंद आएगा। क्योंकि आज का रेसिपी थोड़ा सा यूनिक है, मतलब हम एक बार बनाए हैं, दो बार बनाए हैं, लेकिन मतलब हम बनाने वाले हैं लौकी का कहीं कुछ मतलब रेसिपी। तो जिन लोग को बहुत कुछ लोग को आता है, लेकिन पता नहीं, देखिए यहाँ पर अभी धूप कितना हुआ है। और देखिए ये हमारा घर का पपीता है, तो अभी हम लोग बनाएंगे ब्लॉग का रेसिपी का ब्लॉग, रेसिपी ब्लॉग है, स्वादिष्ट रेसिपी ब्लॉग। और ये हमारा हड़ुल फूल है, थोड़ा बरसात में हरा भरा अच्छा लगता है, देखिए मेरा घर। और एक बात और बताना चाहते हैं कि हमारे जितने भी पेड़ पौधे हैं, तो आप लोग तो हमारा हर वीडियो देखे ही होंगे, तो उसमें सारा कुछ आपको समझ में आ गया, मैंने सारा कुछ आप लोग जानते हैं कि हमारे पे आंगन में कौन कौन सा पौधा लगा है। लेकिन आज हमारे घर में नया पौधा लगा हुआ है, ये देखिए नया मेहमान, पता नहीं कौन सा पौधा है, लेकिन पापा गए थे तो वो लेके आए हैं, तो उन्होंने ही लगाया ये पौधा को। आप लोग को अगर पता है कि कौन सा पौधा है तो मुझे बताइएगा जरूर कमेंट्स करके कि ये कौन सा पौधा है, तो आप लोग को दिखाएंगे, मैंने बताएंगे कि आज कौन सा रेसिपी बन रहा है, स्वादिष्ट रेसिपी है। अब बाबू थोड़ा सोया हुआ है क्योंकि उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसका ना मतलब क्या हुआ है, फीवर आ गया है और कान में मतलब गंदगी थोड़ा सा भर गया है, तो उसका सफाई करने के लिए लेके गए थे, लेकिन डॉक्टर अभी तक मतलब बोले हैं कि दवाई खिलाइए, सूख जाएगा तो ठीक हो जाएगा, तो वो भी अभी सोया है। आज के ब्लॉग में शायद वो ना दिखे, तो इसके लिए सॉरी। और ये तो दुकान चले गए हैं, अभी दुकान का इनका समय है, अभी दुकान में मतलब आएंगे वही 2 बजे के करीब खाने के लिए, तो तब तक उनका पसंदीदा बन चुका है, पहले नहीं था लेकिन अब बन चुका है कि मतलब बनाने के लिए। और हमारे एक मतलब कमेंट्स में आया था, एक नहीं 2-3 बार कमेंट्स में आया है कि मैम आपका जो ये तिल है ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, तो आप लोग देख लीजिए ये मेरा ओरिजिनल है, डुप्लीकेट नहीं है, ओरिजिनल तिल है, तो आप लोग इसको डुप्लीकेट मत बताइए, ये मेरा खुद का है। लेकिन ये और थोड़ा सा गढ़ा था, इसमें कुछ मतलब डॉक्टर के पास एक बार गए थे हम लोग, कोई सिस्टर, मैं मेरी सिस्टर दोनों मिलके गए थे, मेरे मतलब कजिन सिस्टर है तो दोनों मिलके गए थे, उनका यहाँ पर था मेरा यहाँ पे था, तो हम लोग दोनों मिलके है ना वहाँ पर इसको हटवा दिए थे, तो डॉक्टर जो थे ना चाइना डॉक्टर थे, तो वो बोले कि दोबारा नहीं आएगा, लेकिन शादी से पहले मेरे पास नहीं था ये, शादी से पहले नहीं था, शादी का बाद है ना, शादी का साल भर बाद फिर से देखे कि यहाँ पर होने स्टार्ट हो गया, तो जो भगवान का दिया हुआ है वो सबके पास रहेगा, तो आप लोग ऐसा कभी गलती मत कीजिएगा, हटाइएगा जो कुदरती देन है, देखिए हम हटा कर देखे फिर से आ रहा है, तो ये मेरा खुद का तिल है, अपना तिल है, खरीदा हुआ नहीं है। तो चलिए आप लोग को रेसिपी बनाएंगे तो आप लोग को शेयर करेंगे, तब तक के लिए। सो दोस्तों, आज हम लोग बनाने वाले हैं लौकी का कोफ्ता, तो हम कोफ्ता के लिए इस टाइप से कद्दूकस कर लिए हैं लौका को, और इसमें थोड़ा सा हल्दी मिला दिए हैं, तो थोड़ा सा मतलब हमारा वीडियो छिलने वाला नहीं हुआ है, तो हम अब मसाला पीस लेते हैं। अब कोफ्ता में हम लोग बेसन और मिर्चा लहसुन का पेस्ट मिला लिए हैं, और नमक मिला के इसको बढ़िया से इस टाइप से बांध लेंगे, और अब हम लोग इस टाइप से गोल गोल कर लेंगे, और इसको अब कढ़ाई में डालेंगे। अब देखिए गोल्डन ब्राउन हो रहा है, इस टाइप से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसको निकाल लेंगे। अब हम लोग गोल्डन ब्राउन होने तक, तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला हम लोग तिखा नहीं सकेंगे लेकिन हम बता देते हैं, तो मसाला में हम गरम मसाला और मिर्चा लहसुन जीरा गोलकी डालेंगे, ज्यादा मसाला नहीं डालेंगे। तो इस टाइप से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो आप सारे कोफ्ते को निकाल सकते हैं, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है गोल्डन ब्राउन, तो आप लोग निकाल लीजिए। तो हमारा सारा कोफ्ता अब रेडी हो गया है, देखिए
मेरा थोड़ा राउंड नहीं हुआ है, लेकिन बहुत कोई को गोल गोल करते हैं, मेरा जैसा था हम वैसे ही किए। और इस टाइप से अभी इसको साइड में रख देंगे, मसाला जो है अपना रेडी कर लेते हैं। ये हमारा मसाला का पेस्ट रेडी है, रेडी है। इसमें गोलकी, जीरा, लहसुन, मिर्चा, ज्यादा हम मसाला नहीं डाले हैं क्योंकि कोफ्ता का टेस्ट इसमें खत्म हो जाएगा। तो आप लोग भी अगर कोफ्ता बनाते हैं तो उसमें ज्यादा मसाला का प्रयोग ना करें। गोल्डन ब्राउन होने तक अब हम इसको भूज लेंगे। सो फ्रेंड, अब हमारा कोफ्ता बन के रेडी है। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है, एकदम घुल जाएगा मुंह में जाकर, इतना टेस्टी है और सॉफ्ट है। तो आप लोग इस तरीका से बनाइएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर हमारा ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि शेयर बहुत जरूरी है। और कमेंट्स करके आप और भी अनदर पर स्किन से रिलेटिव, या फिर मतलब फैशन से, स्किन से, या फिर मतलब हेयर से, या खाने से, किचन से, किसी भी रिलेटिव से आप हमसे मतलब पूछ सकते हैं कि आपको इस टॉपिक पर बता सकते हैं कि आपको वीडियो बनाना चाहिए। हम बनाएंगे जरूर। हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। थैंक यू। ये खाइए, देखिए बन गया हमारा कोफ्ता।